की जानिब से तेलीपारा और भजेश्वर में जो जिन लोगों के घर लूट लिया गया है, जिन लोगों को जला दिया गया है, ऐसे लोगों को थाना के पास 5,000 रुपये दिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं जमात इस्लामी मगरिब बंगाल के अमीर अहल का जनाब अब्दुल रफीक साहब से, जो जमात इस्लामी के मगरिब बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रफीक भाई, आज जो ये आप लोग दे रहे हैं, मैंने जो पैसे दिए यहाँ के लोगों को, किस लिए दे रहे हैं? देखिए, तकरीबन एक महीना पहले इस इलाका में फसाद जैसा हालात पैदा हो गया था और तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों के घर जला दिए गए, लोगों के माले नुकसान हुए, मकान जल गए, लोग बेसहारा हो गए। इसलिए हम शुरू ही से लोगों की मदद में अपने आप को पेश किया, राशन किट्स वगैरह हमने पहुंचाया, कपड़ा वगैरह पहुंचाया और फिर ये महसूस किया कि इनको माली मदद कुछ करना चाहिए ताकि ये मकान बना सके और अपने घर में वो रह सके। कुछ लोग बहुत परेशान है, वो थोड़ा पैसा नहीं होने की वजह से अपना मकान को ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने अहले खैर हजरत से अपील किए थे कि आप तेलीपारा और भद्रेश्वर के इलाके में जो फसाद हुआ है, फसाद ज़्यादा लोगों की हेल्प करें और उसके बाद आबादकारी के सिलसिले में जमात इस्लामी को ताउन पहुँचाए। लोगों ने हमारे आवाज़ पर लब्बैक कहा और कुछ रकमें लोग हमारे हवाला किए कि हम पहुँचाए लोगों के पास। उसी मुनासिबत से हमने आज यहाँ आए हैं। जो रकम अहले खैर हजरत से हमें मौसूल हुई है, वो यहाँ के जो मुतासर लोग हैं, फसाद मुतासर लोग हैं, उसके बाद आबादकारी बिलखसूस उनके घर मकान बनाने के सिलसिले में, रिपेयरिंग के सिलसिले में कुछ नकद रकम हम उसको फराहम कर रहे हैं। हमें कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 5,000 रुपया जिसको